नमस्कार, द न्यूज की खास पेशकश में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। जैसा कि आप सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हमारी इस खास पेशकश में हम हमेशा एक ऐसी हस्ती को लेकर आते हैं जिनकी जीवन की कहानियां या उनसे इस तरीके के प्रश्न हम करते हैं जो हमारे साथ साथ आपके लिए भी लाभकारी साबित हो। उसी कड़ी में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। तृतीयलिंग कल्याण बोर्ड छत्तीसगढ़ शासन की सदस्य और मित्वा फाउंडेशन की अध्यक्ष विद्या राजपूत जी आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है। विद्या जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। तो आज हम इनसे खास चर्चा करना चाहते हैं। विद्या राजपूत जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमारे स्टूडियो में कोई भी आता है तो मेरा सबसे पहला सवाल उनसे यही रहता है कि कैसा बीता कोरोना काल? बहुत कठिन रहा कोरोना काल, बिकॉज लॉकडाउन से 2 दिन पहले ही मैं गांव के लिए निकल गई थी और मुझे पता नहीं था कि सडनली सब कुछ लॉकडाउन हो जाएगा। 3-4 दिन मैं अपने भैया के यहाँ थी, मैं उसके बाद अपने सिस्टर के यहाँ रही और जो सिचुएशन आज से 15 साल पहले था, विकास से विद्या बनी उससे पहले का जो सफ़र, मतलब विद्या के पहले का जो सफ़र रहा और जिस तरह का माहौल गांव में था, ठीक वैसा ही माहौल मुझे फिर से लगा। मतलब मेरी बहन, मेरे जीजा जी और भतीजे जो है वो कहीं भांजे जो हैं वो इस जेंडर के लिए कंफर्टेबल नहीं थे। कई बार कोई आता था तो मुझे अंदर जाने के लिए बोल देते थे। उसके बाद कई बार ये होता था कि बाल काटने के लिए, नाखून काटने के लिए, मतलब कहा जाए कि मुझे अभिव्यक्ति की आज़ादी आज भी नहीं थी और उस कोरोना काल में मेरी प्रॉब्लम बढ़ गई थी। और मैं गांव में थी, इसकी वजह से मैं अपने समुदाय को राशन या किसी और प्रकार की मैं सहयोग नहीं कर पा रही थी, तो वो मेरे लिए बहुत कठिन समय रहा। लेकिन बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी हुई, जैसे कि मैंने अपने लिए एक ट्रांसमेंट ढूंढने का प्रोसेस उस कोरोना काल में शुरू किया और मुझे वो पार्टनर भी मिला। इसके अलावा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन हो गया, ऑक्सफॉर्म इंडिया हो गया, गूंज हो गया, इन ऑर्गेनाइजेशन को चिट्ठी लिखने पे, टेलीफोनिक बात करने पे उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य के सभी तृतीयलिंग व्यक्तियों को राशन भी भिजवाया और समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन ने भी सहयोग किया। तो मतलब मैं ये देखी कि चाहे कितना ही अंधेरा रात क्यों ना हो, चाहे कितनी बड़ी भी मुसीबत क्यों ना हो, लेकिन अगर हम सॉल्यूशन के तरफ जाते हैं तो डे आफ्टर हमें वो एक रोशनी मिल ही जाती है जहाँ से सब कुछ दर्द चला जाता है। बिल्कुल। अब अगर जैसा कि आपने बताया, तो अब मैं जानना चाहूँगी कि आपके विकास से विद्या तक के सफ़र के बारे में चाहूँगी कि आप संक्षिप्त से बताएं कि कैसा सफ़र रहा, कैसे सफ़र की शुरुआत हुई, कितनी कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा है। प्रॉब्लम तो यही हो गया कि मैं एक ट्रांसजेंडर के रूप में पैदा हुई और मेरा जन्म एक लड़के के शरीर में हुआ, और चूंकि मेरे भाव, मेरे हाव भाव, मेरे चाल चलन, मेरी बातचीत लड़कियों की तरह थी, तो लोगों के लिए मैं एक हास्य का केंद्र बनी रही। उपहास हुआ, सेक्सुअल एब्यूज़ हुआ, ओरल एब्यूज़ हुआ, कहीं ना कई बार सुसाइड अटेम्प्ट करने की मेंटलिटी बनी। वो स्कूल में रहा, वो कॉलेज पे रहा, वो ITI पे रहा, ये सारी चीज़ों को पार करते हुए ये भी मैंने महसूस किया कि एक ट्रांसजेंडर है तो उसे प्यार पाने का हक नहीं है, उसे सम्मान पाने का हक नहीं है। फिर मैं ट्रांजिशन में गई, जब मैं लड़का से लड़की बनी, मैं ट्रांसजेंडर से ट्रांसवूमेन बनी, तो उस दौर में भी मेरे परिवार के लोग नहीं थे, और जब मैं साड़ी पहनी तो घर के लोग तो मुझे अब पूरी तरह से नकार दिए और मेरी फेमिनिटी को पसंद नहीं किए, जो मेरी आत्मा थी। तो ये सफ़र रहा और मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि एक इंसान हो, और एक इंसान के अंदर जो इस पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान जीव हैं, स्त्री और पुरुष, वो दोनों के गुण मेरे अंदर मौजूद हैं। बिल्कुल, तो सही बात, बिल्कुल जी, बिल्कुल आपके इस बात से तो मैं बहुत ज्यादा ज्यादा सहमत हूँ, क्योंकि एक स्त्री के अंदर सिर्फ स्त्री के गुण है, एक पुरुष के अंदर सिर्फ पुरुष के गुण है। आप ही लोग ऐसे हैं जिनके अंदर भगवान ने आपको एक अद्भुत कला दी है, एक अद्भुत रूप में आपकी जो है पैदाइश दी है, कि आपके अंदर एक स्त्री एक पुरुष की सारी शक्ति, सारे गुण जो है किसी एक में दिए हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। अब अगर मैं आगे बात करूँ तो प्रदेश के अगर ट्रांसजेंडर सेक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो उनको एक पहचान जो है आपकी वजह से मिली है, कई लोगों को जो हिम्मत है आपकी वजह से मिली है, क्योंकि आपने
आपने अपने जीवन में कई सारी कठिनाइयां देखी है, जैसे आपने बताया है, आपने खुद भी बताया है, हमने जैसा भी सुना है, तो मैं ये आपसे जानना चाहूंगी कि जब आप इस दौर से गुजर रही थी उसके बाद आपने इतने सारे ट्रांसजेंडरों की मदद की, तो किस तरीके ये विचार आपके अंदर कैसे आया कि आपको इन समुदाय के लोगों का है जो है आपको मदद करनी चाहिए, किस तरीके से मदद करनी चाहिए, उनको समाज में एक पहचान दिलानी चाहिए? जब मैं छोटी थी मेरी मम्मी सिंगल पेरेंट्स रहीं और अक्सर मैं ये देखा करती थी कि मेरी मम्मी का सपोर्ट कोई नहीं करता, वो लेबर का काम करती थी और बाहर में साफ़ सफाई का काम करती थी। मेरे ब्रदर मम्मी को सपोर्ट को लेके बहुत न्यूट्रल थे, हालांकि वो पुलिस में थे, तो मुझे लगा कि मैं ओल्ड एज के लिए काम करूँ। फिर मैं जब देखी कि कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इस दुनिया को देख नहीं सकते, और जबकि मैं 5 मिनट या 1 मिनट भी आँख बंद करके चलूँ तो मैं इस दुनिया को देख नहीं पाऊँगी, मेरे लिए और किसी ब्लाइंड बच्चे के लिए भी कितना कठिन होगा। तो मेरा हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक संवेदनशीलता थी, लेकिन मैंने आगे पढ़कर देखा कि मुझे हर रोज़ लोग मुझे छक्का मामू कहते हैं, मुझे अपशब्दों से पुकारते हैं, मेरा सकारात्मक संबोधन जो है वो नहीं है, कम्युनिटी का सेक्सुअल एक्सेप्टेंस है, सोशल एक्सेप्टेंस नहीं है, फैमिली में तो मात्र 2% का ही एक्सेप्टेंस है, 35% सुसाइड है, 38% मर्डर है, बेरोजगारी 100% है, और जो स्कूल एजुकेशन ड्रॉप आउट है वो 50% है, और मैं देखी कि कम्युनिटी के भीतर में 40% से भी ज़्यादा HIV/AIDS का खतरा है, 60% से भी ज़्यादा STI का खतरा है। तो मुझे लगा कि इतने सारी चीज़ें मेरे साथ हैं, अगर वो मेरे समाज के लिए है इन द सेंस वो मेरे साथ में है, तो मुझे लगा कि मुझे अपनी बातें, अपनी तकलीफ जो है वो समाज के सामने रखनी चाहिए, वो सरकार के सामने रखनी चाहिए। और मैं देखी कि इस काम में मेरे साथ में सरकार के लोग भी शामिल हुए पूरे संवेदनशीलता और गंभीरता के साथ में, समाज के लोगों का भी भागीदारी रहा, और जिसका परिणाम आज आप देख रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। अब अगर आपके मैं इस सफ़र की बात करूं तो विकास से विद्या की सफ़र की तो बात हो गई, लेकिन आपने जो कदम उठाया बहुत हिम्मत वाली, क्योंकि आपको पता था इस कदम उठाने से पहले कि आपको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, तो आपके इस सफ़र में कि कैसे कैसे लोगों से आपकी मुलाकात हुई, क्या क्या कठिनाइयाँ आपको सहनी पड़ी, कितना लोगों का आपको सहयोग मिला, सरकार का आपको कितना सहयोग मिला? मुझे इंसान के रूप में भगवान मिले, और कुछ ऐसे भी लोग रहे हैं जो मुझे हर्ट किए, और वो हर्ट जो था वो मेरे लिए पुश का काम किया, क्योंकि मेरे साथ में मेरा दुख था, और ये जब तक किसी भी व्यक्ति के साथ में दुख रहेगा वो संघर्ष करेगा, और वो दुख ही है जो मुझे आगे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ाया। और रहा सवाल कि सरकार के साथ एक्टिविज़म करना, सरकार के साथ मिल के काम करना, तो मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनको सरकार के साथ काम करने के लिए हाईकोर्ट तक जाना पड़ा, सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा, और बहुत सारे पिटिशन लगाने पड़ते हैं, बहुत सारे धरना देने पड़ते हैं, लेकिन मैंने अपने पूरे जीवन काल में सरकार के साथ जब काम किया तो मैं सरकार के कुछ चुनिंदा अधिकारी, कर्मचारी, लीडर्स, उन सब के भीतर मैंने ईश्वर को देखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों के भीतर वो संवेदनशीलता, वो गंभीरता, वो जागरूकता, तीनों ही चीज़ें, ये आपका कन्विंसिंग पावर है कि आप कितने अच्छे तरीके से सामने वाले व्यक्ति के भीतर से क्या निकाल पाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी इस बात से मैं पूरी तरीके से जो हूँ सहमत हूँ विद्या जी। अगर मैं बात करूँ तो कितना कठिन था आपके लिए आपके सफ़र में, जैसे जैसे आपको लोग मिलते गए, उन लोगों पे विश्वास करना, कहीं ना कहीं मन आपके मन में भी संकोच आता ही होगा कि ये नया आदमी है या ये नए हैं या मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं है, मैं कैसे किसी पर इतनी जल्दी विश्वास कर लूँ, तो किस तरीके से जो है आपने अपना मनोबल बना के रखा, किस तरीके से आपने जिन लोगों का इस सफ़र में आप देखिए, मेरी स्थिति ये थी कि मैं किसी रेगिस्तान के गहरे कुएं में गिर गई हूँ, और मेरे पास अपने आप को बचाने के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रयास करना है, और वही स्थिति मेरी शुरू से अब तक की रही है, क्योंकि आज भी मुझे कलंक समझा जाता है, आज भी मुझे भिक्षुक समझा जाता है, आज भी कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडरों को कई लोग सेक्स ऑब्जेक्ट के रूप में देखते हैं, पर मुझे कोई ह्यूमन बीइंग के रूप में नहीं देखता। ये अलग बात है कि आज लोगों की, कई लोगों की मानसिकता बदली हुई है, लेकिन मैं आज भी घर में अपनाई नहीं गई हूँ, तो मेरा मेरे घर के लिए कोई रोष नहीं है, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है उससे रूबरू करा रही हूँ।
तो रहा संघर्ष, लेकिन हमने ये महसूस किया कि ठीक है मेरा इमोशन है, मुझे नीड है, लेकिन इसके साथ साथ दो तीन चीज़ें साथ साथ चलती रही। मेरा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कह रहा है, मेरा संविधान क्या कह रहा है, दूसरी बात ये रही कि मेरे पास में क्या लीगल लॉजिक डाटा है, देन मेरा जो एप्लीकेशन का पैटर्न है वो कैसा है, और मेरा इन सारे चीज़ों को लेके एडवोकेसी क्या है, और एडवोकेसी के साथ साथ मेरा फ्रिक्वेंटली फॉलोअप क्या है। बिकॉज मैं एक बार किसी को एप्लीकेशन दूंगी तो नहीं होगा, पर एक एप्लीकेशन के पीछे मैं 3-3 साल गई हूँ, और एक एप्लीकेशन के पीछे मैं 100-100 एप्लीकेशन लिखी हूँ, और वो एक चीज़ को पास करने के लिए, भले वो एक टॉयलेट का ही मुद्दा रहे, पर शायद मुझे 1000 लोगों से मिलना पड़ा है। तो ये जर्नी रहा है, और ये इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये एक समुदाय का विकास होगा, समुदाय का मुख्यधारा में शामिल भी होना है, समुदाय का सामाजिकरण भी है, लेकिन साथ साथ मेरा भी व्यक्तित्व तो निखर के आ रहा है। और वो दिन, हर व्यक्ति एक अच्छे दिन के लिए तरसता है, लेकिन मुझे हर दिन सेटिस्फेक्शन वाला दिन मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी व्यक्ति के लिए उसका सेटिस्फेक्शन वाला दिन मिलना एक सम्मान का दिन है और एक अवार्ड वाला दिन है। अब एक थोड़ा छोटा सा एक निजी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, माफी चाहूंगी अगर उसके लिए आपको बुरा लगेगा तो। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। क्योंकि दुनिया से अगर एक बार इंसान ठोकर खा ले तो कहीं ना कहीं संभल भी जाता है, लेकिन जब अपने ही परिवार वाले उसको नहीं समझते हैं, नहीं अपनाते हैं, तो वो इंसान कहीं ना कहीं बुरी तरीके से टूट जाता है। उस हालात से आपने खुद को किस तरीके से निकाला, कितनी हिम्मत जुटानी पड़ी आपको? क्योंकि किसी आज मैं ही अगर हूँ तो मेरे पीछे अगर मेरे परिवार का साथ नहीं है तो शायद मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरे में वो हिम्मत ही नहीं आती। कितना मुश्किल था वो दौर, किस तरीके से आपने उस अपने आप को उस दौर से निकाला? जब मैं घर में थी और घर से बाहर वाली गली में निकल जाती थी तो तुरंत माँ के पास पहुँच जाती थी कि मुझे तेरे पास ही रहना है, बाहर नहीं जाना है। मैं रात को सोती भी थी तो मैं मम्मी को ये कहती थी कि मुझे मेरे तरफ चेहरा करके सोना। तो मैं इस तरह की बच्ची थी, और जब मैं देखी कि मेरे जो फेमिनिटी है, मतलब लड़कियों के साथ खेलना, लड़कियों के खेल खिलौने पसंद करना, लड़कियों के साथ रहना, लड़की बनना, लड़की बन के नाचना, उसके लिए मेरे माँ बाप मार रहे हैं, तो कई बार मैं सोची कि मैं घर से भाग जाऊँ। मैंने भागा भी, कई बार सुसाइड करने की कोशिश की, वो भी मैंने किया। तो ये सारी चीज़ें होती रही, लेकिन मतलब मैं जब मैं काम कर रही थी लोगों के साथ में, तो मुझे ऐसा था कि एक पहर में मुझे कोई पॉजिटिव मिलता था, या तो फिर शाम को कोई पॉजिटिव व्यक्ति मिलता था जो हमारे काम को अप्रिशिएट करता था। पहली बात तो थी कि मुझे ये कहे कि आप जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, तो ऐसे दिन भर में एक व्यक्ति तो मुझे मिल ही जाता था, कई बार 4-5 मिल जाता था। अच्छा, एक हफ्ते में एक ऐसा भी व्यक्ति मिल जाता था जो इस मोमेंट को थोड़ा एक फाइल दूसरे टेबल तक पहुँचाता था, तो मेरे को तो बहुत अच्छा फील हो रहा था, बिकॉज मैं उस तबके से आई हूँ, उस समाज से आई हूँ जहाँ मेरी आवाज़ नहीं जाती, मुझे अपनी बात कहने के लिए ताली बजानी पड़ती है। तो यहाँ लोग सुन रहे हैं, यहाँ लोग समझ रहे हैं, लोग बैठा रहे हैं अपने सामने, मुझे पानी पिला रहे हैं, मुझे चाय पिला रहे हैं, मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, मुझे और हौसला दे रहे हैं कि तुमको और उड़ना है, और मेरे उड़ान के लिए वो ताकत दे रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बार हमारे टॉक शो की खास पेशकश में हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान विद्या राजपूत जी मौजूद थे, जिनसे कि हम चर्चा कर रहे थे, उसी चर्चा को आगे कंटिन्यू रखते हैं। विद्या जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत ही ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल में। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ट्रांसजेंडर, तृतीय लिंग जो है हमारे समाज को, उसको हमेशा, जैसा कि आप जानते हैं, दरकिनार किया गया है। लेकिन अगर मैं प्रदेश के ही ट्रांसजेंडरों की बात करूं तो प्रेजेंट के ट्रांसजेंडर में से हमारे सामने निकली थी वीना सेंद्रे जी, उसके बाद अभी अभी हमारे पास से निकले हैं 15 पुलिस ऑफिसर्स। तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगी कि अब जो है ट्रांसजेंडर जो है अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं और हर फील्ड में बना रहे हैं? ट्रांसजेंडरों का पुलिस सेवा में जाना एक बहुत बड़ा परिवर्तन का सूचना है कि अब जो जेंडर असमानता है वो कहीं ना कहीं जाके एक समय ख़त्म होगा, और अब तक के हमारा समाज जो रहा वो पीछे रहा, कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ है, सामाजिक रूप से कहें या शैक्षणिक रूप से कहें या आर्थिक रूप से कहें। पर ऐसे अवसर मिलने पे ट्रांसजेंडरों ने जी तोड़ मेहनत किया, और इसके लिए, इस कार्य के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो आदेश रहा 400/2012 जो नालसा जजमेंट रहा, जिसमें हमें मान्यता मिली, इस मान्यता के परिपालन में छत्तीसगढ़ सरकार, पुलिस विभाग, समाज कल्याण विभाग के संयुक्त
समन्वय से थर्ड जेंडर का कालम आया और कहीं ना कहीं बच्चों तक ये खबर हमने दिया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने दिया, लोगों को मोटिवेट किए, पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों ने ग्राउंड और ट्रेनर भी अवेलेबल करवाया और इस तरह 2017-18 में जो निकली हुई भर्ती थी वो किसी कारणवश उसका रिजल्ट नहीं निकल पाया, उसका रीफिजिकली एग्ज़ाम जो है वो 2021 में हुआ और जिसमें से जो शुरुआत में लगभग 27 लोगों ने अपना रनिंग किया था जिसमें से 23 लोग पास आउट थे, दोबारा भर्ती में 4-5 लोगों ने अप्लाई नहीं किया, 6 लोगों ने, और 19 लोगों ने अप्लाई किया और 19 लोगों में से 13 लोगों का पुलिस के रूप में चयन हुआ है और 2 लोग का नाम वेटिंग लिस्ट में है। और ये पूरे विश्व को ये संदेश देता है कि ट्रांसजेंडर पर्सन शारीरिक रूप से और बौद्धिक रूप से कहीं भी कमज़ोर नहीं है और पुलिस विभाग ने ये भरोसा किया है कि अब तक हमें अलग समझा जाता था, हमारे अंदर कोई एबिलिटी कैपेसिटी नहीं है इसलिए लोग हमें दरकिनार कर दिया जाता था, लेकिन पुलिस विभाग ने हम पे भरोसा किया है और राष्ट्र सेवा और जन सेवा करने का हमें अवसर दिया है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि इस माटी में और इस छत्तीसगढ़ में मैं एज अ ट्रांस वुमेन जन्म लेके मेरा जीवन सफल हो गया है। बिल्कुल, आपके फाउंडेशन की अगर मैं बात करूं तो आपके फाउंडेशन जो है किस किस तरीके कार्य करते हैं, आज तक आपने कैसे कैसे कार्य किए हैं उसके बारे में अगर एक छोटी सी जानकारी आप हमें दे दो। छत्तीसगढ़ मितवा संकल्प समिति 2009 में गठित एक कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एकमात्र उद्देश्य है ट्रांसजेंडर सशक्तिकरण। उसमें अब शब्दों पे प्रतिबंध करने के हमने जो 20 एजेंडा तैयार किया था जिसमें ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड, आवास की सुविधा, अब शब्दों पे प्रतिबंध, रिजर्वेशन, विवाह को कानूनी मान्यता, उसके बाद कौशल विकास, तो ये इस तरह के अलग अलग हमारे 20 मुद्दे थे जिसमें से एक जो ट्रांसजेंडर कमीशन का मुद्दा है और ट्रांसजेंडर रिजर्वेशन का मुद्दा है वो रह गया है। बाकी हम लोगों ने 18 अचीवमेंट जो 18 जो एजेंडा बनाया था वो पूरा हो गया है, 2 एजेंडा रह गया है। तो एक अच्छा प्रयास उस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से किया जा रहा है, एक टीम है जो पूरा टीम काम करती है, कुछ जिला प्रशासन के साथ में, कुछ राज्य स्तर के साथ में और कुछ राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करते हैं। तो ये मतलब हमें लग रहा है कि हम इसलिए ये जीवन को इंटरेस्टिंग बना पाए क्योंकि हमारे जीवन में दुख तकलीफ रहा और है, हमारे जीवन में उस दुख तकलीफ के कारण संघर्ष है और जब आप संघर्ष के बाद आपको जो परिणाम सुखद मिलता है वो बहुत ही आनंदित करने वाला रहता है, बहुत ही सुकून देने वाला रहता है। बिल्कुल, एग्जैक्ट डेट तो मेरे को नहीं याद है विद्या जी, लेकिन करीब मेरे ख्याल से 2.5 या 3 साल पहले जो है सामूहिक विवाह का आयोजन 30 मार्च को हुआ था। 30 मार्च को हुआ था, बिल्कुल सही बात बता रही हैं आप, सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया था। जहाँ तक मेरे को याद है उसमें जो है जितने भी मोस्टली जो थे वो मेल पर्सन थे जिन्होंने जो है ट्रांसजेंडर से शादी की थी, तो वो दौर कैसा था, कितना मुश्किल था, उसमें से अगर एक आध कुछ कहानियां आप सुनाना चाहें तो कितना मुश्किल था उनके परिवार वालों को मनाना, एक भी अगर आप साझा कर देंगे तो बहुत अच्छी बात रही। बिल्कुल, देखिए प्रेम जो है ना वो हर व्यक्ति के भीतर है, मैं भीतर क्या कहूँ, वो जो प्रेम है ना और जीव के भीतर है, जैसे कि मैं दूसरे एनिमल्स को देखती हूँ, जितने भी पैड एनिमल्स हैं उनके भीतर भी आप देखो तो वो प्रेम है और वो प्रेम अभिव्यक्त भी करते हैं और हम तो इंसान हैं, हमारे भीतर भी प्रेम पाने की इच्छा है, प्रेम करने की इच्छा है, प्रेम ही क्यों और भी दूसरी चीज़ें जो एक मैरिड कपल करते हैं। तो देखिए मुझे सब चीज़ों की ज़रूरत है और किसी मर्द को मैं पसंद आ रही हूँ, किसी पुरुष को मैं पसंद आ रही हूँ तो अच्छी बात है, और 2 लोग जो था वो उसमें से जितनी जोड़ियाँ थी वो ज़्यादातर रिलेशनशिप में रही। हम लोगों ने पहला स्टेप किया कि उनका एक व्यक्तिगत साक्षात्कार किया, देन वो लोगों ने इच्छा जाहिर की कि हम एक सामाजिक शादी करते हैं, सामाजिक शादी करना चाहते हैं। तो इस तरह से वो कम से कम 51 जोड़ियाँ से हम लोगों ने संपर्क किया जिसमें से फाइनेंस कंडीशन को देखते हुए 15 जोड़ियों को ओके किया और उसमें से अभी तक बिलीव कीजिए 12 ऐसी जोड़ियाँ हैं जो साथ में हैं। एक जोड़ी की जो दुल्हन है वो इस कोरोना काल में ख़त्म हो गई और 2 जोड़ियाँ अलग अलग हैं और खुश हैं वो अपने जीवन में, जैसे कि एक लड़का लड़की की शादी होती है और वो एक दूसरे के साथ खुश होते हैं। मुझे बड़ा अच्छा फील होता है बिकॉज मैं बहुत छोटी थी, मैं एक मूवी आई थी दिल है कि मानता नहीं,
तो उसका एक गाना था कि वो मेरे सपनों के सौदागर, तो हमेशा मैं एक ड्रीम प्रिंस की कल्पना करती थी और फाइनली उन जो मेरी बहनें थी उनके ड्रीम प्रिंस उनके लिए घोड़ियों पे चढ़ के बारात लेके आए और उनको लेके गए, तो वो सच में बहुत अच्छा दिन रहा भारतीय इतिहास के लिए, बिकॉज उसमें ना सिर्फ वो शादी थी बल्कि एक एक जेंडर का इंक्लूजन था, एक मार्जिलाइज्ड कम्युनिटी का इंक्लूजन था और वहाँ पे बिन बुलाए मतलब कई ऐसे मेहमान थे जिनको जैसे पता चला वो उस शादी में आने के लिए वाराणसी से लेकर जम्मू से लेकर लखनऊ तक के लोग उस शादी में आए हैं, तो मुझे लगा कि लोगों के अंदर कितनी जिज्ञासा है और कितना अच्छा मन है, तो इस तरह से परिवर्तन आ रहा है। और उसमें सीएम साहब हैं वो आशीर्वाद देने भी आए, गृह मंत्री भी आशीर्वाद देने आए, सीएम साहब की मदर जो रही वो काफ़ी समय तक हमारे साथ रही, तो ये देखिए कितना अनोखा और कितना अद्भुत समय रहा वो, जहाँ पे लोग जिनसे आशीर्वाद लेते हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए, उनके जीवन सफल हो ऐसा करके आशीर्वाद देने के लिए लोग आए थे, तो सच में वो बहुत ही यादगार लम्हा रहा। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले वर्षों में हम फिर से एक ऐसा यादगार सामाजिक विवाह का आयोजन करेंगे। जी बिल्कुल। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जैसा आपने कहा आपकी बहनों को तो उनका ड्रीम प्रिंस मिल गया, अब अगर हम आपकी बात करें तो आपके ड्रीम प्रिंस के क्या हालात है? देखिए लॉकडाउन में जिस तरह का सिचुएशन बना मुझे लगा कि शायद प्रेम मेरे जीवन में नहीं आएगा, आई एम 40+, तो मुझे लगा कि अब, लेकिन मैं सोची नहीं गिव अप नहीं करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। पहले तो मैंने बहुत सारे अखबारों में अपना एक आर्टिकल दिया हुआ था एक ताकि लोग मुझसे संपर्क करें जो शादी के लिए, कुछ आए भी मेरे पास में प्रस्ताव लेकिन उनसे बात नहीं बनी। फाइनली जब मैंने ये देखा कि आई एम ए ट्रांसजेंडर, तो ट्रांसजेंडर में कुछ ऐसे भी ग्रुप रहते हैं जो एक लड़का एक लड़की के शरीर पर जन्म लिए रहता है, मतलब वो ट्रांसमैन, फीमेल ट्रांसजेंडर, फीमेल टू ट्रांसमैन, और जैसे मैं एक लड़के के शरीर पे जन्म ली थी गलत शरीर पे, मतलब मैं मेल टू ट्रांसवुमेन, तो मैं उस ग्रुप में मैंने अपना इच्छा जाहिर किया, बहुत सारे लोगों का मेल आया, उसमें से बातचीत भी हुई और आज मैं रिलेशनशिप में हूँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि पसंद नापसंद से ज़्यादा ज़रूरी है अंडरस्टैंडिंग। हमने ये कहा कि हम 6 महीना साथ में रहेंगे और हमें लगेगा कि हम पूरी ज़िंदगी एक दूसरे को बर्दाश्त कर सकते हैं और एक दूसरे की खुशियों में शामिल हो सकते हैं, सहज हो सकते हैं, अपना फ्यूचर और एक सेटिस्फेक्शन डे अच्छे से एक दूसरे के साथ जी सकते हैं, तो हम ज़िंदगी में साथ रहेंगे। तो अभी मैं रिलेशनशिप में हूँ और अगर अब तक तो मुझे अच्छा ही फील हो रहा है, और जो कमी एक परिवार की रहती थी शुरुआत से अब तक मैं अकेली रही और वो कमी अब मुझे नहीं खलती है उनके साथ होने से। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत जानकर खुशी हुई कि फाइनली आपको भी अपने सपनों का राजकुमार मिला ही है। हम यही कामना करेंगे, हमारी यही आपको विशेष यही है कि इनके साथ आप अपने जीवन बहुत ही खुशी से बिताए। अब एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी, मैं शायद ये आखिरी हो पता नहीं, सरकार की तरफ से आप और किस तरीके की सहायता चाहती हैं? देखिए अगर आज पूरे संसार में कहूँ और पूरे समाज के हर वर्ग की बात करूँ, तो चाहे वो जंगल में रहने वाला परिवार हो चाहे वो अमेरिका में रहने वाला परिवार हो, वो परिवार के साथ है, जीवन साथी के साथ है। पर मेरी बहनें कहाँ हैं? मेरी ट्रांसजेंडर बहनें हैं रोड पे, जहाँ वो ट्रेनों में भीख मांगते हैं, जहाँ वो ट्रक को खड़े करके हाथ फैलाते हैं और कई बार कुचले भी जाते हैं, जो रिपोर्ट पुलिस तक भी नहीं जाती है। कई बहनें रेड अलर्ट एरिया में 2 वक्त की रोटी के लिए अपना जिस्म बेचती हैं। तो आज अगर किसी समाज को इक्विटी की ज़रूरत है तो वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, वो किन्नर समाज है, वो हिजड़ा समुदाय है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट है वो हमारे समाज को चाहिए, और वो हैंड होल्डिंग सपोर्ट कैसा? रिजर्वेशन। तो वो मुझे ऐसा लगता है 2-5% रिजर्वेशन की ज़रूरत है कम्युनिटी को। अगर ये मिल जाएगा तो एक बड़ा ग्रुप, मतलब हमारे समाज का ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का बड़ा ग्रुप जो है, वो जब मेन स्ट्रीम में मेल फीमेल के साथ 8-10 घंटा काम करेगा या करेगी, तो ऑटोमेटिक लोगों की सोच बदलेगी और वो ट्रस्ट करेंगे, और तब वो हमें फरिश्ता नहीं समझेंगे, तब हमें भिखारी नहीं समझेंगे,
तब शायद वो हमें इंसान समझने लगेंगे। बिल्कुल। अब मैं चाहूंगी विद्या जी कि जाने से पहले हमारे चैनल के माध्यम से आप कुछ संदेश, कुछ अपील, जो आपकी इच्छा हो, एक छोटा सा मैसेज। ओके। जितना ज्यादा हो सके हमें जेंडर डाइवर्सिटी, लैंगिक विविधता, सेक्सुअल डाइवर्सिटी, उसके बारे में हम जितना से ज़्यादा पढ़ें उतना हमारे अंदर में ट्रांसजेंडरों के लिए एक्सेप्टेंस बढ़ेगा, समझ बढ़ेगी। क्योंकि मैं इसलिए डार्क रूम में हूँ क्योंकि लोग मेरे विषय में जानना नहीं चाहते। तो किसी भी विषय को जानने के लिए हमें उस विषय को पढ़ने के लिए इंटरेस्ट ढूंढना होगा, देन हमें उसे स्टडी करना पड़ेगा। जब लोग हमें पढ़ेंगे तभी समझेंगे, और समझेंगे तो अपनाएंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब तक बेटी और बेटा में अंतर ख़त्म नहीं होगा तब तक ट्रांसजेंडरों का एक्सेप्टेंस नहीं होगा। क्योंकि हमारे समाज ने इन द सेंस मेरी मम्मी, पापा, भैया, भाभी, आप सब लोग, हम सब लोगों ने बांट के रखा है लड़कों का काम और लड़कियों का काम। हम सब ने बांट के रखा है लड़कियों के खेल और लड़कों के खेल। हम सब ने बांट रखा है कि इसके कपड़े ये होंगे, इनके पहनावा ये होंगे। ये चीज़ जब तक हम नहीं छोड़ेंगे तब तक लड़का और लड़की एक नहीं होंगे, तब तक दोनों का दर्जा समान नहीं होगा। और जब ये दोनों समान नहीं होंगे, जो जेंडर रोल को आप ब्रेक नहीं करोगे वो ख़त्म नहीं होगा, तब तक ट्रांसजेंडरों को भी एक्सेप्टेंस नहीं होगा। मेरा ऐसा सोच है, मेरा ऐसा मानना है। नहीं, बिल्कुल, बात तो आपकी सही है। आज के दौर में भी अगर मैं बात करूं तो महिलाएं जो हैं वो मर्दों की बराबरी कर सकती हैं। उस चीज़ में हम इतनी तरीके से खुद को खो चुके हैं कि हम ये भूल गए हैं कि हम महिलाओं का जन्म इसलिए नहीं हुआ था कि हम वो सारे काम कर सके जो मर्द कर सकते हैं, बल्कि इसलिए हुआ था ताकि हम वो सारे काम कर सके जो एक मर्द नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भगवान ने दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई है, उसमें भेदभाव, चाहे वो किसी के लिए भी हो, जेंडर पे हो, कास्ट पे हो, कलर पे हो, तो भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम सब अपने ही हैं, एक दूसरे के साथ मिल के रहो यार, मज़े से रहो, दुनिया खूबसूरत है, उस खूबसूरती का मज़ा लो। आज के एपिसोड में बस इतना ही, हम फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।